हेलो गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे रेडमी 7A का फ्लैशिंग करना UMD टूल से। ठीक है, सबसे पहले UMD का QC फायर अपन को करना है क्या, ओपन। उसके बाद अपन को जहाँ फाइल रखी है अपन उस फोल्डर में जाना है। ये देखो, यहाँ से है डाउनलोड। एक मिनट सर्च कर लेते हैं पहले अपन। यहाँ से कर लेना डाउनलोड रिपेयर माय मोबाइल की वेबसाइट में जाके, फाइन एंड ग्लोबल कोई भी अपडेट वाली कर लेना लेटेस्ट। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है डाउनलोड। हाँ, MI ये रखी हुई है। ठीक है, कहाँ पे, फाइन एंड ग्लोबल। इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। एक मिनट लगेगा एक्सट्रैक्ट होने में। तो ये हो गई अपनी फाइल एक्सट्रैक्ट। अब फाइल को लोड करना है टूल के अंदर। यहाँ फ्लैशिंग में प्रोग्राम पर टिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके जाना उसी फोल्डर में। ठीक है, यहाँ न्यू फोल्डर में रखी हुई है मैंने फाइल प्रोग्राम 0। ओके, वो फ्लैश पे करना है क्लिक और मोबाइल में EDL को करना है शॉर्ट। अपना पोर्ट बन गया है क्वालकॉम, फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। डिस्कनेक्ट हो गया, अपन फिर से कनेक्ट करेंगे इसको फ्लैश पे क्लिक करके। ठीक है, एक मिनट रुकना। कई बार वही बार काट वही बार ऐड कर दिए तुमने। कभी कभी हमारा फिर से कनेक्ट किया है। अब फ्लैशिंग हो गई है ऑन। फ्लैशिंग कंप्लीट होगी 1-2 मिनट के अंदर, उसके लिए वेट करना होगा।